नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा देश, देश क्या, देश से बाहर भी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इस घटना के बाद से दिमाग में आना बहुत स्वाभाविक सी है। एक तो ये कि मूसेवाला को अपनी मौत की आशंका पहले से ही लग रही थी, और ये भी संयोग है कि उनके इस समय दो गाने द लास्ट राइट और 295 लगेगी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहे थे। और ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है कि इनके टाइटल में ही इनकी मौत का अलर्ट था। 10 महीने पहले उन्होंने गीत 295 लगेगी रिलीज किया था। ये गीत पंजाब में हो रही पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की घटनाओं को लेकर के था। इसके बोल थे, सच बोलेगा तो लगेगी। और अगर हम इसके नंबर्स काउंट करें 295, तो 29 यानी कि कल जो गुजरा कर ले उनको गोली लगती है, महीना था पांचवा, 295, और उनको गोली क्या लगती है, उनको गोलियां लगती है और इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। और अगर हम दूसरे गाने का टाइटल देखें तो लास्ट राइट, द लास्ट राइट, सिद्धू ने अपनी महिंद्रा थार में जिंदगी की लास्ट राइड की। तो ये दोनों चीजें जो हैं अपने आप में कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे गीत को, यानी कि 295 लगेगी और 29 को उनको गोली लग गई, पांचवा महीना था, और द लास्ट राइट, द लास्ट राइट थार में वो थे और ये गाना भी कुछ इसी तरह का था। अगर आप एल्बम में देखें, सिद्धू ने मौत से 4 दिन पहले 25 मई को गाना लेवल्स रिलीज किया था जो उनका आखिरी गाना बन गया। इससे 2 सप्ताह पहले 15 मई को गाना द लास्ट राइड रिलीज हुआ था। एक की 10 महीने पहले 295 रिलीज हुआ था। सिद्धू ने द लास्ट राइड गाना यूट्यूब पर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया था, और द लास्ट राइड गाने को रिलीज हुए 15 महीने हो गए हैं और इसे 1,03,00,000 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। गाने के बोल सिद्धू ने खुद ही लिखे थे और इसे सुनने में ऐसा लगता है कि सिद्धू मूसेवाला को अपनी मौत का बहुत पहले से ही अंदाजा हो गया था। सिद्धू गाने में कह रहे हैं कि जवान लड़के की आंखें सब कुछ कह रही हैं, यानी कि जवानी में लड़के की आंखें सब कुछ कह रही हैं और जवानी में ही जनाजा उठ जाएगा, मौत न जाने कब दस्तक दे दे। और सच 29 मई को उनकी लास्ट ड्राइव जिंदगी की तो वो थार भी कर रहे थे, वो द लास्ट राइट बन जाती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि 19 साल पहले युवा पंजाबी गीतकार सुरजीत सिंह बिंदर खियार की मौत भी ऐसी ही थी। उसने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर के रख लिया था। जिस तरह सिद्धू ने 2 सप्ताह पहले द लास्ट राइट रिलीज किया था और उसमें अपनी मौत का जिक्र कर दिया था, उसी तरह से बिंदर खियार ने अपनी मौत से एक दिन पहले एक गीत रिलीज किया था और उसके बोल थे, मैं तिड़के कड़े दा पानी, मैं कल तक नहीं रहना। और सच अगले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ले ली। ये तो थी उनके गीतों की बात। और अक्सर वो ये कहते थे कि मैं अपनी कलम से सच लिखता हूँ, अगर किसी को सच छुपता है तो वो कुछ नहीं कर सकते। और मूसेवाल जो है अक्सर अपने गीतों को लेकर के एक कंट्रोवर्सी में बने रहते थे। शायद से उनका ऐसा सोचना होगा कि ऐसी कंट्रोवर्सी से उनके गीत हिट हो जाएंगे। उन पर कई बार गीतों में हथियारों को बढ़ावा देने के लिए आरोप भी लगे, और वो शायद ये नहीं जानते होंगे कि ऐसे ही हथियार एक दिन उनकी जान ले लेंगे। अब बहुत जाहिर सी बात है कि पूरा बॉलीवुड और संगीत जगत जो है स्तब्ध है, निशब्द है। इसमें
बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, कंगना रनौत, जरीन खान, जरद केलकर, कॉमेडियन कपिल शर्मा और गायिका हर्षदीप कौर के अलावा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दिलजीत सिंह दोसांझ, बब्बू मान, एमी विर्क तमाम लोग हैं जो उनके इस मर्डर पे एकदम से सन्न रह गए हैं, निशब्द रह गए हैं। और मानसा के जवाहर के गांव में जिस तरीके से AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई, उसके बाद गैबी संधु समेत कई कलाकारों ने पंजाब की कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए हैं, तो मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में भी आ रही है, अब जो विश्नोई गैंग है वो जेल से अपना गैंग चला रहे हैं। मैंने उनके ट्विटर हैंडल पे देखा, विश्नोई ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात पे बड़ी खुशी मनाई है कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। और वहीं बराड़ ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। ये सब चीज़ें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती हैं कि कैसे कोई जेल से अपना इस तरीके का गैंग चला सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो लॉरेंस विश्नोई हैं उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है। उन्होंने वैसे तो अंग्रेजी में लिखा है जिसकी भाषा पंजाबी है, तो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। राम राम भाई सबको, आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बराड़ लेता है। हमें जो भी कहें लोग, इसने हमारे भाई विकी मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी, हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा भी था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूँ। और आज हमने अपने विक्की का इंसाफ ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो इस कत्ल में शामिल थे वो तैयार रहें, हम सबके भ्रम दूर कर देंगे। आज हमने जो किया है उससे सबके भ्रम दूर हो गए होंगे। जय बलकारी। अब मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैं नीचे इसका लिंक दूंगी कि लॉरेंस विश्नोई कौन है। इस समय तिहाड़ जेल में है। सोचने की बात यह है कि लॉरेंस विश्नोई किस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने कमेंट कर रहा है, किस तरीके से वो मतलब अपना पूरा एक गैंग चला रहा है, ये सोचने की बात है। हालांकि पंजाब पुलिस कह रही है कि उन्होंने 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है, अलग बात है कि वो किस तरीके की गिरफ्तारी है। ये भी एक बात है कि पंजाब सरकार ने मूसेवाला को जो स्पेशल सिक्योरिटी दी हुई थी उसमें से उन्होंने उसको अपने पास वापस बुला लिया था और 2 कमांडोज उसके पास ले गए थे, जो न जाने क्यों जिस घड़ी मूसेवाला घर से बाहर निकल रहा था उसने उनको अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि वो दोनों कमांडो उस समय अपने घर जाना चाह रहे थे। और उसने सोचा कि ठीक है, मैं अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग घर जाओ अपने। लेकिन ठीक उसी समय न जाने उसके दिमाग में क्या आता है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेके जाते हैं, और उस समय वो जो गाड़ी है वो लेके जाते हैं थार, वो थार जो द लास्ट राइड उनकी बन गई। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कैसे एक घर उजड़ गया और पंजाबी सिंगर जो है सिद्धू मूसेवाला, इसकी हत्या की जिम्मेदारी ले ही चुके हैं गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई। क्षमा करें, ये सब साथ में चलता रहता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी, जैसा कि मैं कह रही थी कि गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ले चुके हैं, और इसके साथ ही उनके एक साथी गोल्डी बराड़ ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है। बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है, और खुलेआम उन्होंने कहा है कि हमने ये किया है। मूसेवाल पे हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग की है, और इस समय
सभी ट्वीट जो किए हैं वो लोगों की नज़रों में हैं, लाखों से लाखों लोग उनको देख चुके हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल में रह के कैसे ये गैंग चला रहे हैं। हालांकि बहुत दिनों तक तो उन्हें एक ऐसे जगह पे रखा गया था जहाँ पे वो कैमरे की नज़र में थे, और अब क्या तब से ही वो अपना गैंग जो है जेल से चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सोचने की है कि किस तरीके से उन्हें कहाँ से मोबाइल मिल जाता है। जब एक क्रिमिनल कैमरे की नज़र में है तो वो कम मोबाइल चलाता है, कौन उसे मोबाइल देता है, ये सब चीज़ें सोचने की हैं। हालांकि पंजाब पुलिस ये कह रही है कि हम उसको रिमांड पे लेंगे, हम उससे पूछताछ करेंगे। ठीक है, वो पूछताछ करें, लेकिन जिस इंसान ने बिल्कुल सीधे सीधे एक बात कह दी है कि हमने इस तरीके से उसको ये सब किया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि किससे पूछताछ करनी है। वो इंसान तो खुद ही ये कह रहा है कि उसने ये सब किया है। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? तमाम जानकारियाँ अभी आ रही हैं, तमाम जानकारियाँ आती रहेंगी। मैं आपको जैसे ही मेरे पास कोई और नई जानकारी आएगी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।